जय भोले जय भोले जय भोले जय भोले जय भोले जय कदे 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 जय भोले 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 बहुत ज्यादा आ गया रे बाप रे ओ भागो भाई अब रोड बंद हो गया आपका पेड़ आ गया पेड़ पेड़ आ गया ओ भागो ओ भागो अब कुछ नहीं होगा बाप रे यहाँ पूरी रंग रूट करनी पड़ेगी भाई इसको हटाने के लिए तो डर लग रही भाई पूरा गिर जाएगा ये अब तो बंद हो गया दो दिन तक चलो भाई वापस यहाँ से आ रहे हैं गोपेश्वर महादेव जी जी और हमको राजस्थान जाना है राजस्थान में 200 किलोमीटर जी हम 4 घंटे लिए खड़े हुए हैं जी और ये मशीनें अभी आई है तकरीबन 20-25 मिनट पहले तब से मशीनें निकली नहीं कोई मशीन नहीं थी हमने यहाँ कोई खाने की व्यवस्था नहीं कोई पीने की नहीं और कोई व्यवस्था मारे जी सबको समस्या खड़ी हो रही है ऊपर से पत्थर गिरने का खतरा है बिल्कुल खतरा है हम ये कहना चाहते हैं जो भी ये ऐसी विपत्ति है तुरंत इसका निराकरण करे ताकि पब्लिक परेशान नहीं हो प्रशासन ऊपर हो गया है और मुझे हरिद्वार जाना है बहुत जरूरी जाना है मैं अपने बच्चे को लेकर के कॉलेज के लिए जा रहा हूँ और वहाँ से 7:30 बजे की ट्रेन है परंतु तो जब मैं यहाँ सुबह तो मैं चमोली के देवाल जगह से जब मैं चला हूँ तो 6 बजे में वहाँ से चला हूँ परंतु यहाँ पे मुझे 2.5 घंटे का टाइम पूर्ण हो चुका है और अभी जस की तस स्थिति है यहाँ पर इतनी दयनीय स्थिति बनी हुई है कि धूप इतनी है कोई छाया तो यहाँ पे है नहीं है पानी की कोई व्यवस्था नहीं है और हम तो अपने गवर्नमेंट से ये आह्वान करना चाहते हैं कि जो आपने बद्रीनाथ मार्ग ऑल वेदर रोड के रूप में जो किसी संस्था को प्राइवेट कंपनी को जो काम दिया है इनके कार्य के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी या इनका फीडबैक लेना चाहिए क्योंकि ये मन मर्जी का सवाल मुझे तो ये लग रहा कि ये इन कंपनियों का मन मर्जी का मामला है अभी तक जैसे 2.5 घंटे से आदमी फंसा पड़ा है तो अभी पता चल रहा है हमको 10-20 मिनट पहले कि यहाँ मशीनें आ गई हैं तो मैं तो गवर्नमेंट से यह आह्वान करूंगा और आग्रह करूंगा कि आप जो है कि माननीय मोदी जी माननीय उत्तराखंड सरकार धामी जी कि इन जो ऑल वेदर रोड की जो संस्थाओं को जो ये काम कर रहे हैं इन पे पूर्ण रूप से निगरानी रखी जाए।